जयपुर में अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 लेवल 2 में चयनित और पिछले एक साल से सेवाएं दे रहे शिक्षकों ने आज प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि उनका इस भर्ती में चयन हुआ था, लेकिन हाल ही में कोर्ट के आदेश पर अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम जारी होने के बाद उनको राजकीय सेवा से हटाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इन शिक्षकों ने उन्हें पद पर बनाए रखने की मांग की है। क्या मैं अध्यापक चयनित भर्ती 2022 में लगी हुई हूँ, जिसको सर्विस करते हुए सर एक साल हो गया है। और सर आज अनिलेश बोर्ड द्वारा बोला जा रहा है कि नई कमेटी वापस बनाई जा रही है, उसमें रिजल्ट रिवाइज होगा। अगर आप उसमें मेरिट लिस्ट में आते हो तो आपको अंदर रखा जाएगा, वरना आपकी अभिशंसा प्रत्यारित भी की जा सकती है। तो सर पहले एक साल तो हम वैसे ही हो गया सर्विस करते करते, अब एक साल बाद बोला जा रहा है कि आपको निकाला जा सकता है। तो सर पहले ही दो कमेटियां बन चुकी थी, उसी की मेरिट आधार पर हमें अंदर दिया ज्वाइनिंग दी गई थी। सर हम खुद लेने नहीं गए थे, आज हमको ये बोला जा रहा है कि आप मेरिट में थे ही नहीं। अगर हम सर नहीं थे मेरिट में तो हमें ज्वाइनिंग कैसे दी गई? इनमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी सर्विस छोड़ के इस सर्विस में आए। तो सर पहले तो अपने एक सर्विस छोड़ दी, ये भी छोड़ के सर हम कितनी नई नौकरियां ले, कितनी नई भर्ती में जाए और पता नहीं कितनी भर्तियों से हमें निकाला जाए। ऐसे तो सर हमारा भविष्य एकदम से अंधकार में चला जाएगा। तो जो चयनित है उनको भी बाहर मत निकालो, और जो नए लग रहे हैं उनको भी आप नौकरियां दे दो। तो हमारी सर यही विनती है।